सब्सक्राइब कीजिए द वायरल मीडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो हिंदी में देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड के बारे में, उसकी पूरा रिव्यू आज के वीडियो में देखेंगे। उसके रेटिंग, एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, रिटर्न्स, रिस्क फैक्टर, सारे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं वो सारे चीज़ें आपके आज की वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पे द वायरल मीडिया पे देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटे के आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे फंड के रिव्यूज़ की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे देखेंगे HDFC स्मॉल कैप फंड जियो, जिसकी आज के डेट पे 88.62% इन्वेस्टमेंट जो है वो इक्विटी स्टॉक्स में है। उसमें से 5.45% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, 16.78% मिड कैप स्टॉक्स में है, 64.38% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है स्मॉल कैप्स में है, इसीलिए इसको HDFC स्मॉल कैप फंड यहाँ पे कहा गया है। इसके अलावा अगर रेटिंग की बात की जाए तो क्रिसिल की ओर से इस फंड को 5-स्टार रेटिंग दी गई है और इस फंड की जो NAV की प्राइस है डायरेक्ट प्लान के लिए और रेगुलर प्लान के लिए वैल्यूज थोड़ी डिफरेंट है। तो अभी हम देखेंगे डायरेक्ट प्लान के लिए, उसमें भी ग्रोथ की जो वैल्यू 46.43 रुपीज़ है और डिविडेंड के लिए 28.63 रुपीज़ में आप उसको NAV को परचेस कर सकते हो। ये वैल्यू जो है वो 7 जून 2019 की है। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्तों, ये वैल्यू जो है हर दिन चेंज होती रहती है, इसीलिए आप जिस समय वीडियो देख रहे होंगे उस समय इस वैल्यू में थोड़ा जहाँ बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ प्योरली एजुकेशन बेस के लिए बनाता हूँ, जिसके थ्रू आपको इस पूरे जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में थोड़ी बहुत अच्छे से जानकारी हो सके, ना कि इसके लिए कि इसके थ्रू मैं किसी भी कंपनी का या किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फंड का प्रमोशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए ये इस वीडियो बनाया जा रहा है। तो आगे देखते हैं इस वीडियो में कि यहाँ पे जो HDFC स्मॉल कैप फंड है उसकी जो एसेट वैल्यू है वो 8,403 करोड़ रुपीज़ है और जो 31 मई की वैल्यू है। एक्सपेंस रेशियो की होता है कि आपकी जो भी प्रॉफिट है या फिर इन्वेस्टमेंट है उसमें से आपको कुछ परसेंट आपके जो फंड मैनेज करे उनको देना होता है। तो यहाँ पे आप अगर रेगुलर यानी कि ब्रोकरेज के थ्रू जो जाते हैं तो आपको एक्सपेंस रेशियो 2.02% है। अगर आप डायरेक्टली इसको इन्वेस्ट करते हो वेबसाइट के थ्रू तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0.77% का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे देना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाने के बजाय अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1.5% का यहाँ पे इनिशियली ही ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये जो कैटेगरी है वो इक्विटी स्मॉल कैप के रिलेटेड है। तो यहाँ पे और बात है कि लॉन्च डेट जो है उसमें रेगुलर अगर आप बात करेंगे तो 3rd of April 2008 है। अगर आप डायरेक्ट फंड की बात की जाए तो 2013 है। फंड मैनेजर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जिसके चलते आपको उस फंड से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो फंड मैनेजर है वो चिराग सेतलवाड़, जो 28 जून 2014 से आप इस फंड को मैनेज कर रहे हैं और उनका जो टोटल एक्सपीरियंस है 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें से उनके 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस फंड मैनेजमेंट एंड इक्विटी रिसर्च में है और 3 साल का एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनका है, जिस उम्मीद करते हैं अगर इतना अच्छा सा एक्सपीरियंस अगर फंड मैनेजर है तो आगे चल के भी ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में अगर आप देखोगे तो कितने रिटर्न्स आपको मिले पिछले 5 साल में, 2014 की बात की जाए तो HDFC के रिटर्न्स 52.59% थे। उसी समय जो इंडेक्स है ये S&P BSE स्मॉल कैप TRI रिटर्न वो 71.13% है। 2015 में वो जो है HDFC के रिटर्न्स 7.8% है और S&P BSE स्मॉल कैप के 7.73, 2016 में 6.78 एंड 2.07, 2017 में 62.6 और इंडेक्स का आपका या फिर बेंचमार्क का आपका 60.80 है। 2018 में सारे के सारे जो स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स है, सारे के सारे वैल्यूज डाउन हो चुकी थी, इसीलिए आप देख सकते हो S&P की जो वैल्यू है यहाँ पे और बेंचमार्क के -22%। लेकिन उसमें भी HDFC फंड जो है अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, -6.65% है। और यहाँ पे 2019 के पिछले 4-5 महीने का ही सिर्फ डेटा है जो 2.06% है और अभी भी जो फंड है स्मॉल कैप वो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, माइनस नेगेटिव में है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि अगर आप
को यहाँ आज से यानी कि 7 जून 2019 से पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप बस SIP से करते तो कितने मिल जाते, इसकी वैल्यूज यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप 2000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर रहे पर मंथ, तो आप एक साल में 24,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो ये एक साल का अगर रिटर्न देखा जाए तो एब्सोल्यूट रिटर्न जो है 1.62% है SIP के थ्रू। और यहाँ पे बात करेंगे कि आपने 24,000 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, लेकिन आपकी जो आपकी आज की वैल्यू है 24,388 है। अगर आपने 2 साल पहले इसके इन्वेस्ट किया होगा तो आपके एब्सोल्यूट रिटर्न की वैल्यू है 3.85%, यानी कि आपने इन्वेस्ट किए हुए थे 48,000, आज की आपकी वैल्यू है 49,848 रुपीज़। 3 साल की जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो 17.95% है, यानी कि आपकी जो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 72,000 रुपीज़ है, लेकिन आपकी जो अभी लेटेस्ट वैल्यू 84,924 रुपीज़ की है। 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 7 जून 2014 को, तो आप यहाँ पे देखते हो कि 44.77% का हाई, इतना ह्यूज रिटर्न आपको 5 साल में इस मिल जाता है, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट होती 1,20,000 की और आपको मिलते हैं अभी, या फिर आज के आपकी वैल्यू है 1,73,724 रुपीज़, यानी कि लगभग आपके 53,000 रुपीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आपका प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना आपको कितना लाभदायक हो सकता है, या फिर आप आगे चल के उसमें कितना पैसा कमा सकते हो। यहाँ पे पोर्टफोलियो की बात करते हैं, पोर्टफोलियो में देखा जाता है कि कौन से सेक्टर में या कौन से कंपनी में उनकी होल्डिंग है, कितनी परसेंट होल्डिंग है, तो आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। फर्टिलाइजर कॉम्पोजिट में उनकी 3.09 है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेक्टर में उनकी 3.08 और 3.03% है, NIIT टेक्नोलॉजी या सोनाटा सॉफ्टवेयर में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका 2.78% की होल्डिंग है, औरबिंदो फार्मा लिमिटेड में उनका 2.67 की है, और DCB बैंक में उनकी 2.62% है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में उनकी जो टायर अलाइड के रिलेटेड सेक्टर है उसमें 2.49% है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड में उनकी जो पावर इक्विपमेंट कंपनी है उसमें 2.47% है, फेडरल बैंक में उनकी 2.45% की है, इंडियन बैंक में 2.41, और आप यहाँ पे जो वैल्यूज है परसेंटेज की करोड़ में यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे नाम पहले से आपने सुने हुए होंगे इस तरीके से, और इसमें से बहुत सारे ऐसे नाम है जो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करने के बहुत चांसेस बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इसके थ्रू कि अगर इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट रहेगी तो आगे चल के अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है जो स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज में या स्मॉल कैप फंड में, कि उस रिस्क फैक्टर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि रिटर्न अच्छे मिलते हैं लेकिन रिस्क भी ज्यादा होती है। तो रिस्क को डिफाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे बीटा वैल्यू, अल्फा वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर आपके शार्प रेशो, तो किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं रिस्क को डिसाइड करने में यहाँ पे हम देखेंगे। तो एक हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से यहाँ पे कवर किया, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है आपकी फंड की वोलाटिलिटी कितनी है वो डिफाइन करता है, वो पिछले 3 साल के डेटा के बेस पे होता है। ये जो डेटा है 7 जून से पिछले 3 साल का, यानी कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू लो है तो फंड मोर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हो HDFC फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15.56% है, और जो कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी है वो 16.73% है, और बेंच मार्क की 19.59, यानी कि यहाँ पे ये जो रिस्क परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए मोर प्रेडिक्टेबल, तो HDFC फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और शार्प रेशो की बात की जाए तो शार्प रेशो इंडिकेट्स हाउ मच रिस्क वॉज टेकन टू जनरेट द रिटर्न, यानी कि कितना अगर आप रिस्क उठा रहे हो तो उसमें से रिटर्न्स कितने अच्छे मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे शार्प एज रेशियो डिपेंड होता है। हायर द वैल्यू मीन्स फंड हैज बीन एबल टू गिवन बेटर रिटर्न्स, यानी कि जितना शार्प एज रेशियो की वैल्यू अच्छी रहेगी, ज्यादा रहेगी, वो अपना उतना ही आपको रिटर्न अच्छे प्रोवाइड करता है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हो HDFC फंड की जो शार्प रेशियो है वो 0.85 है, कैटेगरी की 0.36 है, और बेंचमार्क की 0.32 है, तो कैटेगरी के मुकाबले में शार्प रेशियो बहुत ही अच्छा है, तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। बीटा वैल्यू एक ऐसी वैल्यू जिसके थ्रू भी आपको फिर से वोलेटिलिटी परफॉर्मेंस पता चलता है, और जितनी लोअर बीटा वैल्यू रहेगी उतना आपका जो फंड है मोर प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस करेगा। अगर आपने दो सेम परफॉर्मेंस करने वाले सेम रिटर्न देने वाले अगर फंड है और उसमें एक फंड की वैल्यू बीटा वैल्यू लो है, तो फंड आगे चल के अच्छा अगले ईयर्स में आपको अच्छा रिटर्न्स देने के चांसेस बढ़ते हैं। तो HDFC फंड का जो बीटा वैल्यू 0.76 है और कैटेगरी की 0.8 है, यहाँ पे भी
कैटेगरी के मुकाबले एचडीएफसी फंड अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अल्फा वैल्यू है हाउ फंड जनरेट एडिशनल रिटर्न्स कंपेयर टू द बेंचमार्क, आपके बेंचमार्क के कंपेयर में वो फंड कितना एडिशनल रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। यहाँ पे जो बेंचमार्क होता है वो 1 रहता है उसका अल्फा वैल्यू, और उसके आगे आप कैटेगरी में देखोगे तो 3.19 है, और एचडीएफसी फंड की अल्फा वैल्यू जो है वो 8.91 है, और जितनी ज़्यादा हायर वैल्यू रहेगी उतना फंड जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो बीटा अल्फा या फिर शार्प रेशो, इसके थ्रू हमने इसकी रिस्क फैक्टर देखा और उसी में सारे में कैटेगरी के मुकाबले ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो और एक बात यहाँ पे देखेंगे कि उसके जो कैटेगरी पीयर्स कौन से हैं, यानी कि अल्टरनेटिव फंड, और अगर आप एचडीएफसी के अलावा में और किसी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो सेम कैटेगरी के, तो उसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप है, रिलायंस स्मॉल कैप है, कोटक स्मॉल कैप है, आईडीबीआई स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड है, डीएसपी स्मॉल कैप फंड है, और एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस फंड है। तो दोस्तों अगले आने वाले वीडियोस में इसी सारे फंड्स के भी हम रिव्यूज इसी तरीके से देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। थैंक यू।